हो गया। नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का टेकपुर बाई एग्जामपुर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और जल्दी से आप सभी साथी लाइव सेशन से जुड़ जाइए। और आज हम लोग उस सीरीज में कुछ और भी आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है 3 फेज इंडक्शन मोटर। यहां से भी कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, तो आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन मिलने वाला है साथियों, है ना। तो जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। अब तक हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, एक हम लोग पढ़े सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होता है, सेफ्टी से संबंधित, और हम लोग दूसरा जो वीडियो हमने पढ़ा यानी कि जो दूसरी क्लास हमने पढ़ा वो हमने यही पढ़ा कि कहते हैं उसको क्या नाम, हाँ, टूल्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो आप सभी साथी को जैसे पता होगा कि क्लास प्रीमियम में चल रही है क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लासेस है, और आपको पता है कि हम लोग चाहते थे कि भाई आपका नुकसान ना हो और आप क्या करिए, पढ़ते भी रहिए और अपना जो भी है आप त्यौहार वगैरह जो भी मनाते रहिए, है ना। तो चलिए साथियों हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में सबसे पहले आपके स्क्रीन पर है वेलकम टू एग्जामपुर। तो एग्जामपुर में आपका सभी का स्वागत है, सपनों की इस जगह में आपका बेहतरीन स्वागत है। आइए आपको बताते हैं साथियों, एक बेहतरीन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यूपी पुलिस प्लस दिल्ली पुलिस प्लस एसएससी जीडी प्लस कांस्टेबल का एक कॉम्बो बैच चल रहा है। तो जो भी साथी हमारे दोस्त मित्र भाई हैं, जो वर्दी का नशा जिनको है कि भाई वो नशा मतलब उनको मोहब्बत है, उनको जुनून है, उनको एक पागलपन है कि भाई हमको वर्दी चाहिए, उनके लिए हमारा एग्जामपुर परिवार लाया है यूपी पुलिस प्लस दिल्ली पुलिस प्लस एसएससी जीडी कांस्टेबल, है ना, का क्या लाया है, मिशन वर्दी कॉम्बो बैच। क्या ले आया है, मिशन वर्दी कॉम्बो बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी, क्लास एंड पीडीएफ भी दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, प्रैक्टिस क्विज दिया जाएगा, करंट अफेयर मैगजीन दिया जाएगा और बहुत कुछ दिन मिलने वाला है। अभी अपने कोर्स को प्री बुकिंग कैसे करें और उसके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्या है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर जो है, है ना, ये वाली, कौन सी, ये वाली हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखिए साथियों, उसको कैसे बुकिंग करेंगे, बिल्कुल एकदम फ्री है, है ना, यानी कि क्या है प्री बुकिंग के फायदे, तो बिल्कुल फ्री है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट परचेज के टाइम पर, साथ में 15 प्लस मॉक टेस्ट भी हैं, 150 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज भी हैं, फिर उसके बाद साथियों क्लास एंड पीडीएफ भी हैं, क्लास एंड क्यूज भी हैं, और क्या है, करंट अफेयर मैगजीन भी है, और 30 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर और क्विज फॉर्मेट भी है, और 50 प्लस प्रीवियस ईयर के क्या है पेपर भी है। तो ये तमाम फीचर आपको मिलने वाले हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको तमाम आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसका फायदा ले सकते हैं। चलिए, आप प्री बुकिंग कैसे करें, आप प्री बुकिंग करने के लिए आप पहले आपको जाना पड़ेगा, कहां पर जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको ऐप में, यानी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड करिए, ऐप पे आप जाएंगे तो वहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है, है ना, पेड कोर्स के पास, पेड कोर्स के पास आप जाएंगे तो मिशन वर्दी का आपको दिखाई दे रहा है, फिर मिशन वर्दी के बाद आपको जो भी यूज वर्क ओपन करना कोड को यूज करिए और अपना मिशन वर्दी का बैच ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आइए, आपके स्क्रीन पे पहला सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है साथी, यहाँ से बहुत कुछ आपको नया मिलेगा, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, आप लोगों ने कुछ बहुत कुछ पढ़ा भी होगा लेकिन कुछ न कुछ आपको नया मिलने वाला है। एक गिलहरी पिंजरा यानी कि स्क्वायरल केज मोटर, इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग होती है, अच्छा सवाल है, एग्जामिनर आपको डायरेक्ट पूछा, कहा कि बताइए श्रीमान जी कि एक गिलहरी का पिंजरा इंडक्शन मोटर में कितनी स्लिप रिंग होती है, तो बताइए जल्दी से इसका कितने स्लिप रिंग होती है, जरा जल्दी हमको बताइए। तो इसका जो आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा वह होगा नन ऑफ अबव होगा, यानी कि स्क्वायरल केज, अरे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होता है, यानी कि पिंजरा प्रारूपी जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें कोई स्लिप रिंग नहीं पाया जाता है। अब दिमाग में आपके बनेगा कि सर जी ये बता दीजिए कि यह स्लिप रिंग जो होता है
किस में पाया जाता है तो किस में नहीं पाया जाता है, तो आप नोट करिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं साथियों कि स्लिप रिंग क्या होता है। तो जो स्लिप रिंग होता है, मैं आपको बता दूं स्लिप रिंग न तो कोई कन्वर्टर है और ना ही कोई कहते हैं ना कुछ लोग एसी से डीसी या डीसी से एसी, नहीं, ये एक प्रकार का चालक पदार्थ है। जैसा हम इसको इनपुट देंगे वैसा आउटपुट देता है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब एग्जामिनर आपसे और चीजें पूछ लेता है कि भाई स्लिप रिंग किसका बना होता है, तो बता दो साथी जो स्लिप रिंग होता है वह बना होता है फास्फोरस ब्रांच का, फास्फोरस ब्रांच का, ठीक है, फास्फोरस ब्रांच का बना होता है। अब फास्फोरस ब्रांच का बना होता है, इसके अलावा मैं बता दूं साथियों इस फास्फोरस ब्रांच से हम स्प्रिंग भी बनाते हैं मेजर के, यानी कि जो जिसमें हम क्या नाम है जिससे हम अरे उस अरे मेजर में जो मैनेजर अरे क्या नाम उसका मेजर में जो हम लोग स्प्रिंग यूज करते हैं ना क्या नाम है अरे जो मापक में जो स्प्रिंग यूज होता है उससे हम फास्फोरस का ही तो बनता है, बनता कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। तो स्लिप रिंग फास्फर का बनता। अच्छा अब इसमें क्या क्या मिक्स होता थोड़ा सा इसको भी ध्यान रख लीजिए, है ना, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए क्या क्या मिला होता है साथियों, बता दूं आपको। एक कॉपर होता है, प्लस टीन होता है और प्लस फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस होता है, इतनी चीज से मिलकर बना होता है, ठीक है, कौन, इस फास्फोरस ब्रांच, ठीक है। अब कॉपर की जो मात्रा होती है वह होती है आपको 88% दिया जाता है, ठीक है, और टीन को हम देते हैं 10% देते हैं, और फास्फोरस जो होता है 2% होता है, कितना होता है 2% होता है। तो थोड़ा सा इस डाटा को भी नोट कर लीजिएगा कि 88% प्लस 10% प्लस 2% होता है। ये तो कहानी हो गई किसकी, स्लिप रिंग की कहानी हो गई। ये कहानी किसकी हो गई, हमारे स्लिप रिंग भाई साहब की कहानी हो गई। तो स्लिप रिंग की हो जाने दीजिए, आगे आइए, चलिए हम आगे बताते हैं। अब आगे हमारी बातों को ध्यान से सुनना। तो अब जो नेक्स्ट आएगा यानी कि जो अगला बनेगा पॉइंट जो बनेगा इसमें आप क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, इसके अलावा तो थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर स्लिप रिंग मोटर कहता है, अब यहां से नोट करो, स्लिप रिंग मोटर अगर कहता आपसे कि इसमें कितने स्लिप रिंग होते हैं, तो स्लिप रिंग मोटर में तीन, कितने होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है, स्लिप रिंग मोटर में कितने होते हैं, तीन होते हैं। फिर आगे लिखिएगा हमारी बातों को थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। अब फील्ड अल्टरनेटर का अगर बात करें, यानी जिसमें फील्ड हो, यानी कि इसकी फील्ड जो हो घूमने वाली हो, उसमें अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग पाए जाते हैं, तो फील्ड अल्टरनेटर में बता दो साथियों दो पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आर्मेचर अल्टरनेटर हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आर्मेचर प्रकार का हो, यानी आर्मेचर अल्टरनेटर हो, तब क्या हो, तो आर्मेचर अल्टरनेटर में कितना हो जाएगा। अच्छा इसमें भी दो कनेक्शन होते हैं, कौन कौन, एक होता है साथियों स्टार कनेक्शन, एक होता है स्टार और एक क्या होता है डेल्टा, ठीक है। स्टार की बात करेगा तो चार स्लिप रिंग और डेल्टा की बात करेगा तो तीन स्लिप रिंग। तो थोड़ा सा इन चीजों को नोट कर लो, स्लिप रिंग मोटर हो गया, फील्ड अल्टरनेटर हो गया, आर्मेचर अल्टरनेटर हो गया। उसके अलावा मैं आपको बता दूं साथियों कि आपका सिंक्रोनस मोटर की बात अगर करता है कि भाई सिंक्रोनस मोटर में बता दीजिए कितने स्लिप रिंग पाए जाते हैं, तो सिंक्रोनस मोटर में भी साथियों दो प्रकार के, कितने, दो प्रकार के। तो स्लिप रिंग मोटर में तीन प्रकार के, फील्ड अल्टरनेटर में दो प्रकार के, आर्मेचर अल्टरनेटर में अगर वो स्टार कनेक्शन का है तो तीन, अरे चार, अगर डेल्टा कनेक्शन का है तो कितना, तीन, ठीक है, और अगर सिंक्रोनस मोटर है तो कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर एक का डी वाला हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर एक का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ हम पढ़ते हैं। दूसरा एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टैंड स्थिति में, स्टैंड स्थिति मतलब मोटर रुका हुआ, मोटर क्या है इस समय, मोटर रुका हुआ है ना, मोटर क्या हुआ है, रुका हुआ है,
तो जब मोटर रुका हुआ होता है यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टैंड स्थिति में जो स्लिप का जो मान होता है जब मोटर रुका होता है, तो मैं बता दूं साथियों जो मोटर रुका होता है उस समय जो इसका मान आएगा वो मान आपको बता देता हूं, जो स्लिप का मान जैसे मान लीजिए s बराबर एन एस माइनस एन आर बटा क्या जाता है एन एस हो जाता है, अगर आपको प्रतिशत में निकालना होगा तो गुणा कर दीजिएगा। तो जब मोटर क्या होता है रुका होता है ना, तब क्या होगा है ना, तब उस समय 100% स्लिप का मान होता है यानी इकाई होता है ना। इकाई क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है साथियों उस समय जो बड़ी मशीन होती है यानी जो बड़ी मशीन होती है उसमें स्लिप का जो मान होता है यानी जो बड़ी मशीन होती है उस बड़ी मशीन में जो स्लिप का मान होता है वह होता है आपका लगभग, मान आपको बता देता हूं साथियों 1.5% से 2%। और आपका छोटी मशीनों की बात अगर करता है एग्जामिनर, इसकी बात छोटी मशीन के लिए, ठीक है छोटी मशीन के लिए, तो छोटी मशीन के लिए 4% से 6% तक होता है स्लिप का मान है ना। जैसे जैसे हम रेटिंग यानी एचपी का हॉर्स पावर का मान बढ़ाते हैं और उसका मान क्या होता है स्लिप का मान वैसे वैसे घटती है। तो स्टैंड स्थिति कंडीशन में अगर आपको 100% निकालना होगा तो आप 100 से गुणा कर दीजिएगा। तो मैंने क्या बताया कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टैंड स्थिति में जो होता है उस समय मोटर जो हमारा क्या होता है उस समय हमारा मान कितना होता है एक होता है, ठीक है। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा आप अपने साइड में शॉर्ट नोट्स में तैयार करके रख लीजिए, आपके बड़े काम के आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा है ना, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जरा बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 50 हर्ट्ज सप्लाई तथा 5% स्लिप पर रोटर आवृत्ति क्या होगी, 50 हर्ट्ज सप्लाई तथा 5% स्लिप पर रोटर आवृत्ति क्या होगी। अच्छा सवाल है, सवाल में कुछ भी नहीं है, हम बड़े आराम से लग सकते हैं। सुनो मेरी बात को, पहली बात तो जो रोटर फ्रीक्वेंसी का अगर मान बढ़ता है, अगर रोटर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है तो इसकी जो गति होती है यानी रोटर की गति का मान जो होता है वह क्या होता है कम होता है यानी यह कम होता है। अगर साथियों इसका सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान अगर बढ़ता है तो आपका रोटर गति का मान क्या होता है बढ़ता है ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी जो रोटर की गति का मान क्या होता है तब बढ़ता है, यानी जब रोटर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है तब हमारा स्पीड का मान क्या होता है यानी जो एनआर होता है रोटर की गति जो होती है वो क्या होती है कम होती है, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान अगर बढ़ता है तो रोटर गति का मान क्या होता है बढ़ता है। तो मैं बता दूं आपको कि एग्जामिनर आप तो ये तो अलग चीज है, इसको तो रहने दीजिए भाई, चलो ये तो बात हो गई भाई हो गया ठीक है, लेकिन हमको करना क्या है, हमको इसका एक फार्मूला होता है 50 हर्ट्ज सप्लाई तथा 5% स्लिप पर रोटर आवृत्ति की पूछ रहा है। तो देखो इसमें सवाल में एक होता है एफ आर बराबर एस इंटू एफ होता है, अब स्लिप का मान कितना दिया है 5% है ना, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए रोटर आवृत्ति तो चाहते तो आप, ये जरूरी नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें आपको बताना चाहते थे इसलिए हमने इसको बता दिया। तो एफ आर बराबर एस इंटू एफ होता है, क्या होता है एस आर बराबर एस इंटू एफ होता है। अब स्लिप का मान कितना दिया है एग्जामिनर ने 5%, तो इसको हम 5% की जगह हम क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया एग्जामिनर 50 हर्ट्ज, कितना दिया है 50 हर्ट्ज दिया है, डिवाइड करिए, डिवाइड किया 25 बटा 10, इसको हम भाग देंगे तो 2.5 हर्ट्ज हो जाएगा, क्या जाएगा 2.5 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरे का ऑप्शन जो आएगा वह बी हो जाएगा, क्या आ जाएगा बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, आपकी स्क्रीन पर है और सवाल है कि एक 4 पोल 10 हॉर्स पावर 3 फेज इंडक्शन मोटर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 1440 आरपीएम पर घूम रही है तो स्लिप क्या होगी। अच्छा सवाल है, तो देखो भाई पहली बात तो इस ध्यान से मेरी बातों को समझना, एक बार फिर सवाल को पढ़ते हैं और आराम से लगाते हैं। सवाल कह रहा कि एक 4 पोल 10 हॉर्स पावर 3 फेज इंडक्शन मोटर 415 वोल्ट
50 हर्ट्ज सप्लाई पर 1440 आरपीएम पर घूम रही है, स्लिप क्या होगी, है ना। ये ही आपसे एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, तो सुनो मेरी बातों को ध्यान से, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्या सुनना, देखो चार पोल कह रहा है, तो चार पोल के लिए एक सूत्र आपने आपको बताया गया था, या नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से। जो होता है एनएस बराबर 120 एफ अपान पी होता है, ठीक है। अब हमको सिंक्रोनस गति चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का मान यानी 120, फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया है 50 हर्ट्ज, पोल कितना दिया है, पोलों की संख्या कितना दिया है, चार पोल, है ना। तो 50 हर्ट्ज बटा चार पोल, तो चार तिहाई 12 और यह हो जाएगा आपका 30, तो 5 तिहाई 15 यानी 1500 आरपीएम, कितना 1500 आरपीएम हमको मिल गया, 1500 आरपीएम मिल गया। अब पूछ क्या रहा एग्जामिनर, स्लिप क्या होती है, जो स्लिप को आपको फार्मूला मालूम है, क्या मालूम है, स्लिप बराबर एनएस माइनस एनआर बटा एनएस होता है। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो सिंक्रोनस स्पीड का मान आपने निकाला 1500 और रोटर की गति का मान पहले से एग्जामिनर दिया ही है 1440 और कितना बटा 1500 हो जाएगा। अब 1500 में से 1440 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, 60 बटा 1500 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, 0 × 3 = 6 यानी 2 × 2 और यह 25 यानी कि 1/25 मिलेगा, कितना मिलेगा 1/25 मिलेगा। अब 1/25 में अगर हम साथी 25 का भाग देते हैं, इस 1/25 में अगर 25 का भाग देते हैं तो हमको जो मान मिलेगा 0.04 मिलेगा, क्या मिलेगा 0.04 मिलेगा। तो आप आसानी से लगा लेना, है ना, सवाल में कुछ दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है, बड़े आराम से लगाओ, एकदम आराम तरीके से लगाओ, ठीक है, बिंदास तरीके से लगाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम साथियों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। स्टार्टिंग में समय रोटर आवृत्ति क्या होती है, यानी कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में के में समय रोटर आवृत्ति क्या होगी, ये चीज आपसे पूछ रहा है। सप्लाई आवृत्ति से कम होती है, सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है। देखो भाई, अब सप्लाई आवृत्ति से अधिक तो होगी नहीं, उपरोक्त में से कोई होगी नहीं। अभी आपने कुछ देर पहले ही साथियों आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्या पढ़ा कि एफआर बराबर जो होता है यानी रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर एस इनटू एफ, यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी और रोटर फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, क्या जाता है, बराबर हो जाता है। वह कौन सा पढ़ा है आपने, सप्लाई आवृत्ति के बराबर हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 5वें का बी वाला सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5वें का बी वाला सही हो जाएगा, एफ आर बराबर एस इंटू एफ, एफ आर बराबर एस इंटू एफ हो जाएगा, है ना, एफ आर बराबर एस इंटू एफ हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ हम पढ़ेंगे साथियों। निम्न में से कौन सी ब्रेकिंग एक मोटर के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो भाई, ब्रेकिंग भी तीन प्रकार की होती हैं, एक प्लगिंग होता है, एक रिजनरेटिव होता है, एक होता है रियोस्टिक ब्रेकिंग होती है। रियोस्टिक ब्रेकिंग को ही डायनेमिक ब्रेकिंग भी कहते हैं। तो ये इतनी ब्रेकिंग होती हैं। प्लगिंग ब्रेकिंग में क्या होता है कि स्टेटर के दो टर्मिनलों को आपस में क्या करते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रियोस्टिक जिसे बोलते हैं डायनेमिक, इसमें यानी जनरेटर का यूज करते हैं, यानी कुछ जनरेटर यूज का प्रयोग करते हैं, और आपका रिजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। तो ये स्लिप रिंग वाला मोटर में होती है। तो पहले मैं बता दूं कि ये एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज बताते हैं। निम्न में कौन सी ब्रेकिंग एक मोटर के लिए उपयुक्त तो नहीं है, तो मैकेनिकल यानी यांत्रिक ब्रेकिंग वाली जो होती है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां यानी मैकेनिकल ब्रेकिंग, यह गाड़ियों में होती है। गाड़ी मतलब जहां पर घर्षण बहुत अधिक होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि मोटर के मोटर गाड़ियों में, कारों में वगैरह, जहां भी इसका होता है, तो ये इसमें घर्षण बहुत ज्यादा होता है मैकेनिकल ब्रेकिंग में, है ना। तो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे फिलहाल, अभी प्लगिंग ब्रेकिंग के बारे में कुछ चीजें आपको बता देते हैं। तो जो प्लगिंग ब्रेकिंग होती है उस समय ब्रेकिंग में स्लिप का मान 2 - स्लिप हो जाता है, यानी 2 - यस हो जाता है, ठीक है। रिजनरेटिव का अगर बात करता है एग्जामिनर आपसे, तो रिजनरेटिव 1 - यस हो जाता है, और रियोस्टिक में स्लिप का मान
ओनली स्लिप होता है। तो इस चीज को छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि भाई प्लगिंग में जो ब्रेकिंग का मान उसमें स्लिप क्या था, 2-s होता है, और उसके बाद रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात करेगा तो 1-s हो जाएगा, और अगर रिहोस्टिक की ब्रेकिंग की बात करता है तो स्लिप का ही मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर अभी फिलहाल इसका जो आंसर हम मानेंगे वो क्या मानेंगे, डी मानेंगे। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो बताते हैं आगे, है ना। चूंकि प्लगिंग में आपको पता है एक चीज बताते थे, इसमें 3-phase मोटर भी होता है और क्या होता है, डीसी मोटर भी होता है। 3-phase मोटर और डीसी मोटर भी होता है इसमें। आगे और अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा कि इसमें और क्या क्या डाटा बन सकता है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं, और आराम से बताइएगा इस सवाल में कितना दम है ना, आराम से सवाल बताइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आराम से हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। एक 3-phase मोटर है RYB फेज देने पर क्लॉक वाइज में घूम रही है, तो एंटी क्लॉक वाइज फेज देने पर मोटर का फेज क्रम क्या होगा। देखो भाई, कहने का मतलब होगा एक एग्जामिनर का कि यह रहा आपका, है ना, फिर से बनाते हैं, ये रहा आपका R, ठीक है, और यहां पर आपका रहा Y, और यहां पर रहा आपका B, ये रहा R, ये रहा B, RYB, इस समय कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, किस हिसाब से घूम रहा है, क्लॉकवाइज में घूम रहा है, किसमें घूम रहा है, क्लॉकवाइज में घूम रहा है, यानी RYB किसमें घूम रहा है, RYB भी घूम रहा है, यानी कि ये एक 3-phase मोटर RY फेज देने पर क्लॉकवाइज में घूम रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज दे दे, यानी अब देखो इस समय भी क्लॉकवाइज में घूम रहा था, अगर हम इसको क्या कर दें, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दे, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दें, तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दे, तब हमारा मान क्या हो जाएगा। तो देखो अभी हमारा क्लॉकवाइज में घूम रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो RBY, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल है, अच्छे तरीके से बताया गया है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी एक 3-phase वाले का, यानी 7 का जो बच्चे का आंसर बी आ रहा है, उस बच्चे का बहुत जबरदस्त है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद साथियों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जामिनर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, थोड़ा इनसे भी एग्जामिनर साहब से मिल लिया जाए कि भाई एग्जामिनर साहब क्या हालचाल है आपके, है ना, एग्जामिनर साहब के क्या हालचाल है, थोड़ा इनसे भी जानकारी ले लिया जाए। तो साथियों आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर संयोजित 3-phase मोटर को प्रारंभ के समय मिलने वाले वोल्टेज आपूर्ति क्या होती है। तो देखो भाई, एक स्टार डेल्टा स्टार्टर संयोजित होता है और 3-phase मोटर के प्रारंभ समय मिलने वाली वोल्टेज की आपूर्ति पूछा है, क्या पूछा है, वोल्टेज की आपूर्ति पूछा है। तो देखो भाई, जब स्टार्टिंग के समय हमारा स्टार होता है, कैसे, स्टार कनेक्शन में जुड़ता है, यानी कि वह मोटर हमारा स्टार कनेक्शन में चलता है, लेकिन एक स्पीड यानी कि आने के बाद वह डेल्टा कनेक्शन में दौड़ने लगता है, यानी कि वह चलने लगता है। तो अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इसमें मिलने वाली वोल्टेज की आपूर्ति क्या होगी। तो कुछ चीजों को मैं लिखवाना चाहता हूं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना, तो सुनो मेरी बात को। स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग के समय ऐसे लिखो, स्टार्टिंग के समय स्टार, है ना, स्टार्टिंग के समय क्या होता है, स्टार होता है, और रनिंग कनेक्शन के समय, यानी जब रनिंग में, यानी जब वो दौड़ने लगता है रनिंग में, क्या हो जाता है, डेल्टा, क्या हो जाता है, डेल्टा हो जाता है। तो जब रनिंग के स्टार्टिंग में स्टार और रनिंग में डेल्टा, तो जब स्टार में होता है तो उस समय हमारा जो कहते हैं कि वोल्टेज का जो मान होता है वह 1/3 या हम इसको लिख सकते हैं 57.7% होता है। ठीक है, और करंट का मान जो होता है इस समय I का मान 1/3 होता है, और टार्क का भी मान 1/3 होता है। तो इन तीन चीजों को भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, है ना, अगर एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछता है इसमें से, वोल्टेज, करंट, टार्क, हो सकता है इस बार इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर संयोजित 3-phase मोटर को प्रारंभ का समय निकालने वाले वोल्टेज पूछा, मान लीजिए कभी करंट पूछ दिया, कभी टार्क पूछ दिया, कुछ भी पूछ सकता है।
तो जब हमको क्या मालूम चला कि भाई देखो वोल्टेज का मान क्या होता है, 1/3 या 57.7% होता है, यानी 57% होता है। अब आ जाइए रनिंग की बात करते हैं। अगर रनिंग की बात करता है डेल्टा में, तो जो डेल्टा में जो वोल्टेज का मान होता है वह कितना होता है, डेल्टा में 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है वोल्टेज का मान, है ना। वोल्टेज का मान क्या होता है, 100% लगभग होता है, और बाकी आप चीजों को लिख सकते हैं करंट और टार का मान एक होता है, करंट का मान एक और टार का मान एक होता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा और आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो फिलहाल अभी 8 नंबर का बी होगा, 8 नंबर का क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। डल स्टार्टर का उपयोग समानतः कितने एचपी तक की मोटरों को साथ करते हैं। डल मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज हम 5 हॉर्स पावर तक कर सकते हैं, यानी 5 एचपी तक कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों में हम बता सकते हैं आपको कि हम डल स्टार्टर क्या करता है, करंट और वोल्टेज दोनों को चेंज नहीं करता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि डल स्टार्टर करंट और वोल्टेज को क्या चेंज करेगा, तो कहिएगा नहीं, वो नहीं करता है, करंट और वोल्टेज को चेंज नहीं करता है, ठीक है। फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपका जो ऑप्शन, जो और कुछ चीजें बता देता हूं, ये 15 से 20 जो दिखा रहा है यह किसके लिए दिखा रहा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए। किसके लिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए। तो यह स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, ठीक है। और अगर मोर देन 20 एचपी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया साथियों ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर। और इस ऑटो ट्रांसफार्मर में टैपिंग लगी होती है, क्या लगी होती है, टैपिंग लगी होती है, 1 में 50, 1 में 60, 1 में 80, यानी कि 50, 60, 80 की टैपिंग लगी होती है। इस टैपिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, अब वोल्टेज के मान को कम ज्यादा करते हैं। तो ये टैपिंग लगी होती है, क्या लगी होती है, टैपिंग लगी होती है, और इसका यूज हम करते हैं 20 हॉर्स पावर से ज्यादा के चीजों को, यानी 20 हॉर्स पावर के अधिक मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो फिलहाल अभी 9वें का ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, और स्टार डेल्टा कनेक्शन 15 से 20 हॉर्स पावर होगा, और इसमें मोर देन 20 एचपी का होगा, नहीं ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एग्जामिनर आपसे कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति समानतः कितनी होती है। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति समानतः कितनी होती है। साथियों मैं बता दूं आपको, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो गति होती है वह समानतः क्या होती है, हमेशा NS, यानी सिंक्रोनस गति का मान अधिक होता है रोटर गति से, है ना, ठीक है। तो इसका मान हमेशा क्या होता है, सिंक्रोनस गति का मान क्या होता है, हमेशा अधिक होता है, सिंक्रोनस गति से अधिक होता है, यानी रोटर गति का मान सिंक्रोनस गति से अधिक होता है, यानी हम सिंक्रोनस गति का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह सिंक्रोनस गति पर क्यों नहीं चलता, यानी कि यह सिंक्रोनस गति पे नहीं चलता, क्योंकि इसका टार्क का मान क्या जाता है, शून्य हो जाता है। टार्क, टार्क का मान क्या जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति समानता क्या होता है, तो टार्क का मान क्या जाता है, शून्य हो जाता है, क्या जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी इज राइट हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी इज, अरे बी कह रहा हूं, 10वें का जो ऑप्शन आएगा वह अधिक नहीं होगा भाई, है ना, ए होगा, सिंक्रोनस गति से कम पे। हमेशा थिंक 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो गति होती है वह क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाएगी, है ना। 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो गति होती है वह क्या हो जाती है, क्योंकि देखो सिंक्रोनस गति पर क्यों नहीं चलती, क्योंकि टार का मान क्या जाता है, शून्य हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का ए होगा, है ना, आप उसको संशोधन कर लीजिए, ठीक है, अधिक नहीं होगा, ठीक है।
थोड़ा सा उसको दिमाग इधर से हो गया थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं है, अभी हम यही पढ़ते हैं। वो थोड़ा सा देखना चाहते थे कि हमारे बच्चे कॉन्सेप्ट को सही पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे बच्चे तो बड़े जबरदस्त हैं एकदम, कई बच्चे तो ऐसे हैं एकदम दिल खुश कर देते हैं, है ना। चलो भाई कोई बात नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। और आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों आपकी स्क्रीन पर, कि एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर की संरचना किसके समान होती है। एग्जामिनर आपसे पूछा है कि एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर की संरचना किसके समान है, तो बता दूं आपको साथियों, जो एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो संरचना होती है वह सेकेंडरी शॉर्ट ट्रांसफार्मर के समान होती है। किसके समान होती है? सेकेंडरी शॉर्ट ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के समान होती है, है ना। यह मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए कि यह आपका क्या है, स्टेटर है, और इस स्टेटर पर आप थ्री फेज वाइंडिंग किए हैं, ठीक है, थ्री फेज की वाइंडिंग किया है आपने, और बीच में आपका क्या है, रोटर है। जैसे इस पे आप सप्लाई देते हैं तो फ्लक्स का मान निकलता है, क्या निकलता है, फ्लक्स का मान निकलता है। और इस फ्लक्स का जो मान निकलता है, यानी यह घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की तरह होता है, यानी कि कह सकते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ट्रांसफर होता है, यानी कि घूमता भी नहीं है, यह सीधे सीधे रोटर के पास पहुंच जाता है, है ना। तो यह सेकेंडरी शॉर्ट ट्रांसफार्मर की तरह होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि यह अननोन प्रेरण के सिद्धांत, यानी जो ये क्या है, ये फ्लक्स का मान है, क्या है, फ्लक्स का मान है, और यह जो होता है अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अननोन यानी अन्योन्य, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, है ना। ये किसके पर कार्य करता है? अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत कार्य करता है? अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो थोड़ा सा इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक गिलहरी पिंजरा इंडक्शन मोटर में रोटर बार को तिरछा रखने का क्या कारण है, यानी उसको तिरछा क्यों रखा गया भाई, है ना। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि एक गिलहरी पिंजरा इंडक्शन मोटर में रोटर बार को तिरछा रखने का क्या कारण है, तो तिरछा रखने का कारण ये रहा आपका, है ना, यानी यह आपका एंड है, यानी शॉर्ट एंड है, और इस पे हम हल्का सा तिरछा रख रहे हैं ना, ये हल्का हल्का तिरछा, है ना, हल्का हल्का तिरछा रखने का क्या कारण है। तो ये जो तिरछा रखने का आप कह सकते हैं कि भाई इसका कारण क्या है, कि भाई इसको तिरछा क्यों रखा जाता है, इसका क्या, तो जब आप, मैं एक चीज बता दूं, जब आप जब इसकी छड़ को जब आप तिरछा रखोगे, है ना, तो इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। पहली बात तो अगर इसको हम तिरछा रखते हैं, अगर तिरछा है तो लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, लंबाई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब अगर लंबाई बढ़ता है, जैसे मान ली आर समानुपाती एल, यानी कि आप जैसे ही इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसका प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब प्रतिरोध का मान साथियों बढ़ेगा तो पक्का है कि पावर फैक्टर का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कॉस फाई का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, कॉस फाई का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो पावर फैक्टर का भी मान बढ़ेगा। और पावर फैक्टर का मान अगर बढ़ता है साथियों, तो आप कह सकते हो पहले तो क्या होगा कि इसकी लंबाई का मान बढ़ा, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भाई ये गिलहरी पिंजरा इंडक्शन मोटर में क्या होगा, तो यह क्या करता है कि स्टार्टिंग टार्क में क्या करता है, वृद्धि करता है, क्या करता है, स्टार्टिंग टार्क में वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा साथियों, वह आपका आएगा स्टार्टिंग टार्क का मान क्या होता है, बढ़ता है, है ना। और जब स्टार्टिंग टार्क का मान बढ़ता है, यानी कि तब हमारा पावर फैक्टर का मान, यानी टार्क समान पाते कॉस फाई, टार्क समान पाते कॉस फाई, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप इसका आंसर बताएंगे क्या, 12 नंबर पे ए, है ना, 12 का क्वेश्चन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर नेगेटिव स्लिप रिंग पर किस तरह से कार्य करती है। तो भाई देखो, नेगेटिव स्लिप रिंग का मान, यानी कि स्लिप का मान जीरो से कम, है ना, हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं। तो देखो भाई, आपके स्क्रीन पर देखो, जब इंडक्शन मोटर की बात कर दिया है,
किसकी बात कर दिया है, इंडक्शन मोटर की बात कर दिया है, तो सीधा आप इसको काट दो, दो को बचा तीन, दो इंडक्शन मोटर इंडक्शन जनरेटर। तो जब निगेटिव स्लिप की बात करता है एग्जामिनर आपसे, तो निगेटिव स्लिप पर वह इंडक्शन जनरेटर की तरह कार्य करने लगता है, यानी कि यह जनरेटर की तरह करने कर लगता है। एक होती है ब्रेकिंग मोड, एक होती है ब्रेकिंग होती है। तो ब्रेकिंग में क्या होता है कि स्लिप का मान क्या जाता है, इकाई हो जाता है। और एक होता है आपका ब्रेकिंग हो गई, एक हो गई आपकी, ठीक है इस समय दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है मैं बाद में बता देंगे आपको। तो फिलहाल अभी इसको जानिए कि इंडक्शन मोटर का जो इंडक्शन जनरेटर जो होता है, स्लिप का मान इस समय क्या होता है, जीरो से कम यानी कि ऋणात्मक तक भी हो जाता है, यानी कि इसमें इकाई का मान यानी कि बहुत कम हो जाता है, यानी जीरो से भी कम हो जाता है। तो उस समय हमारा जनरेटर किस तरह से कार्य करने लगता है, मोटर किस तरह से कार्य करने लगता है, इंडक्शन जनरेटर की तरह कार्य करने लगता है। तो 13 का जो ऑप्शन आएगा वह बी है, क्योंकि आपको बता दूं साथियों जो स्लिप होती है, स्लिप का मान एनएस माइनस एनआर बटा एनएस होता है, और इस ऋणात्मक का मान बढ़ेगा तो स्लिप का मान क्या होगा, कम होगा। स्वाभाविक है जब आप रोटर की गति के मान को यानी ऋणात्मक की संख्या के मान को आप बढ़ाओगे तो स्लिप का मान क्या होगा, घटेगा, यानी स्लिप का मान घटता है तो उस समय हमारा इंडक्शन जनरेटर की तरह व्यवहार करने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, अच्छा सवाल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि नेगेटिव स्लिप पर रोटर गति सिंक्रोनस गति से क्या होती है। तो नेगेटिव स्लिप पर रोटर की गति क्या होती है, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़ा कि नेगेटिव स्लिप पर रोटर की गति सिंक्रोनस गति से क्या होगी। तो नेगेटिव स्लिप पर यानी माइनस एन आर है ना, इसकी बात कर रहा है ना। तो नेगेटिव स्लिप पर रोटर की गति सिंक्रोनस गति से क्या होगी, अधिक होगी, क्या होगी, अधिक होगी, यानी 14 का बी क्या हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा, यानी कि 14 का बी हो जाएगा, 14 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अधिक हो जाता है, ठीक है। तो 14 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 का नंबर बी हो जाएगा, यानी मोर देन हो जाएगा। चलिए कागिंग क्या होता है, जरा इसको जरा सा ध्यान से देखिए, कागिंग का मतलब होता है, कागिंग किसके से संबंधित है, तो कागिंग का मतलब होता है जकड़न, यानी कि आप कह सकते हैं इसको कि खांचा यानी जकड़ने वाला। तो यह किससे संबंध रखता है, तो कगिंग केवल आपको बता दूं जो कगिंग होती है वह केवल आप इंडक्शन मोटर के में ही होता है, तो ट्रांसफार्मर में तो होगा नहीं, अल्टरनेटर में तो होगा नहीं, है ना। तो ये किस में होगा, केवल स्लिप रिंग यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है, हालांकि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए नहीं तो कगिंग का तो स्क्विरल केज में ही होता है, लेकिन फिलहाल अभी चार ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो आंसर सही होगा वह क्या होगा, 15 का बी होगा, क्या होगा, 15 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और आपके स्क्रीन पर सवाल है कि थ्री फेज मोटर की गति का सही फार्मूला क्या है। तो सही फार्मूला आपको बता देता हूं साथियों, इसका क्या होगा, 16 नंबर का फार्मूला क्या होगा। तो स्लिप बराबर, देखो स्लिप बराबर एनएस माइनस एनआर बटा एनएस होता है, तिर्यक गुणा करो, वज्र गुणा करोगे तो यह क्या हो जाएगा, एस इंटू एनएस बराबर एनएस माइनस एनआर, ठीक है। अब अगर हमको एनआर को इधर लाना है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसको इधर लाएंगे एनआर साहब को, तो इधर हमारा संख्या क्या बनेगा, हमारी जो संख्या बनेगी वह यही बनेगी, हमारी संख्या क्या बनेगी, हमारी जो संख्या बनेगी एनआर बराबर एनएस वन माइनस एस, है ना। तो जो 16 नंबर का जो ऑप्शन आएगा एनआर बराबर एनएस वन माइनस यस हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसमें कौन सही होगा, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, यानी 16 का ए हो जाएगा, 16 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट, 16 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए 17 नंबर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। एक थ्री फेज यानी एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में यदि सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज वह रोटर आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, प्रतिशत स्लिप क्या होगा। बहुत आसान है, हम लोग लगा लेंगे अभी कुछ देर में, कुछ देर का मतलब कि इस प्रतिशत स्लिप को हम कैसे लगाएं। तो देखो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान देना, एफ आर बराबर यस इंटू एफ होता है ना। तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या पूछ रहा है कि एक थ्री फेज सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज
रोटर आवृत्ति 2 हर्ट्ज से तो प्रतिशत स्लिप पूछ रहा है ना, प्रतिशत स्लिप पूछ रहा है, तो घबराना मत कि भाई हम इसको कैसे लगाएं। आसान सवाल है, देखो एफ आर बराबर यस इंटू एफ होता है, एफ आर बराबर क्या होता है, यस इंटू एफ होता है। तो अब हम इस यस को हम क्या कर सकते हैं, यानी यस को अगर आप इधर करोगे तो एफ आर बटा एफ हो जाएगा। अब रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया है, 2 हर्ट्ज। देखो फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया है, 50 लिखा, यही लिखा है ना आपके सामने, तो लिखा है सब कुछ ठीक। अब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, ये 25 हो जाएगा ठीक है, 1/25 हो जाएगा। अब मेरी बातों को ध्यान से देखना, लेकिन एग्जामिनर प्रतिशत में पूछा है, किस में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में कहां है, प्रतिशत में का मतलब हम 100 से यहां गुणा करेंगे तो 25 चौको 100, यानी कि हमको 4% मिल जाएगा है ना। जब हम प्रतिशत में लगाएंगे तो हमको डाटा 4% मिल जाएगा, यानी कि जब हम अगर एग्जामिनर प्रतिशत में दिया है वहां पर ऑप्शन, तो प्रतिशत में लगाने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा और जितना मान है इसको डिवाइड कर दीजिए, हमको 4% मिल जाएगा। तो फिलहाल 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 18, आपकी स्क्रीन पर है सवाल, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में, यानी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर चल रहा है ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो चल रहा है, रनिंग अवस्था में रोटर आवृत्ति कितनी है, एफ आर होगी, यदि सप्लाई आवृत्ति कितना है, एफ तथा स्लिप यस है। तो अब देखो ये फार्मूला ही एग्जामिनर ने पूछ लिया है आपसे, अब बताओ ये कौन है, अभी हम लोग 3-4 सवाल इस पे लगाए, एफ आर बराबर यस इंटू एफ, यही आपसे फार्मूला पूछ लिया। अब यही आपसे फार्मूला पूछा तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है, वह मिल रहा है आपका ए वाला, क्या मिल रहा है, ए वाला आपको मिल रहा है। तो कुछ चीजें मैं और आपको बता देना चाहता हूं, स्लिप के बारे में कुछ जानकारियां आपको देना चाहता हूं कि देखो भाई, एक होता है जो स्लिप का मान बराबर, स्लिप बराबर R2/X2 होता है ठीक है, एक पॉइंट इसको नोट करो स्लिप का फार्मूला। दूसरा नोट करो, स्लिप बराबर जो मान आता है, एक मान आता है यस बराबर एफ आर बटा एफ है ना, एफ आर बटा एफ भी होता है, एफ आर बराबर रोटर फ्रीक्वेंसी बटा एफ भी होता है, इसको भी थोड़ा सा नोट कर लो है ना। जब आप त्रिज्या गुणा करोगे तो ये एफ आर बराबर एस इंटू एफ नहीं हो जाता, देखो देख लो एफ आर बराबर एस इंटू एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस इंटू एफ हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, देखिए एफ आर बराबर एस इंटू एफ, देखो इसको अगर हम वज्र गुणा करते हैं तो एफ आर बराबर एस इंटू एफ बनता है कि नहीं बनता, ये भी बन जाता है। एक फार्मूला और बनता है आपका, क्या बनता है, आपको सबको पता है, तीसरा वाला स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस होता है ना, एन एस माइनस एन आर बटा एन एस होता है। तो फिलहाल अभी इसका जो ऑप्शन 18 का आएगा वह ए होगा, क्या होगा, ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए इज राइट है ना, क्वेश्चन नंबर 18 का ए वाले बच्चे का सही हो जाएगा है ना। चलिए तो यह 18 का ए हो गया ठीक है, 18 का ए हो जाएगा ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल, यानी कि अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, तो साथियों सेल्फ स्टार्ट की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है, तो देखो स्लिप रिंग सेल्फ स्टार्ट है, सिंगल केज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट है, डबल केज है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर जो होता है वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए हो जाएगा है ना ठीक है। और इसमें एक चीज बताते हैं, इसमें दोनों में, इस दोनों में डीप यानी डबल यानी हम कह सकते हैं डीप बार केज रोटर का यूज करते हैं, डीप बार रोटर का यूज करते हैं है ना। तो 19 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा, डीप बार रोटर का यूज करते हैं ठीक है, डीप बार रोटर का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 अभी इसका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर में ब्रेकिंग की प्लगिंग विधि को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि इसमें स्टेटर के दोनों टर्मिनलों को आपस में क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो अभी ऑप्शन आपके सामने आ भी गया, तो 20 नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। वैसे आपको बता दूं साथियों कि जो ब्रेकिंग होती है, जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की होती है, वो 3 प्रकार की होती है, एक होती है प्लगिंग होती है,
ठीक है, दूसरा होती है आपका रीजनरेटिव होती है, रीजनरेटिव होती है, और एक चौथा जो होता है यानी एक दो और एक तीसरा, तो जो तीसरा होता है वह आपका होता है डायनेमिक, या डायनेमिक भी बोल सकते हो, डायनेमिक, या फिर इसको रिहोस्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिहोस्टिक है ना, रिहोस्टेटिक भी बोलते हैं, रिहोस्टेटिक, ठीक है, रिहोस्टेटिक होती है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की होती है ब्रेकिंग, है ना। तो 20 नंबर का सी वाला सही हो जाएगा, 20 का सी इज राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। एक थ्री फेज मोटर के लिए सत्य कथन क्या है, तो एक थ्री फेज मोटर के लिए सत्य कथन क्या है, तो एक थ्री फेज के लिए सत्य कथन है कि मोटर कम स्टार्टिंग टायर के साथ सेल्फ स्टार्ट होती है, बेहतरीन सेशन सबसे बढ़िया यही है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी इज राइट, क्वेश्चन नंबर 21 का सी इज राइट हो जाएगा, यानी कि मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, मोटर केवल एक दिशा में घूर्णन करती है, मोटर कम स्टार्टिंग के साथ सेल्फ स्टार्ट होती है, तो ऑप्शन 21 का सी हो जाएगा, ठीक है। 22 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, थ्री फेज मोटर में अधिकतम टार्क की शर्त क्या होती है, यानी मैक्सिमम टार्क की शर्त की बात कर रहा है। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि इसके लिए हम रोटर प्रतिरोध यानी R2 बराबर X2 होना चाहिए, यानी ये बराबर होना चाहिए, तो दोनों में बराबर कौन सा हो रहा है, रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात का बराबर होना, तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात बराबर हो, जब रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात से अधिक हो, जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात से कम हो, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 22 का ऑप्शन ए इज राइट, तो रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात क्या हो, बराबर हो, यानी 22 का ए हो जाएगा, 22 का क्या जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे धारा की बात करता, अगर कहता एग्जामिनर धारा बता दीजिए, तो I बराबर B बटा Z बता देते, क्या बताते थे, I बराबर B बटा Z बटा बता देते, तो फिलहाल अभी इसका जो आंसर होगा 22 का क्या होगा, A हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, अधिकतम टार्क पर थ्री फेज मोटर पावर का फैक्टर क्या होता है, तो बता दो साथियों कि इस पे अधिकतम टार्क पे पावर फैक्टर का मान 0.707 होता है, क्योंकि देखो भाई मैं बता देना चाहता हूं आपको कि जो मैक्सिमम मैक्सिमम जो पावर फैक्टर यानी कॉस फाई का मान जो होता है वह आपका होता है R2 बटा R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर भी होता है, लेकिन हम यहां पर R2 स्क्वायर ही रखते हैं, है ना। तो यह जो मान आएगा आप कह सकते हैं कि अब अगर इसको हम जब हल करते हैं तो होगा क्या कि R2 स्क्वायर इसको जब अगर आप हल करोगे तो हल करने के बाद आपको जो डाटा मिलेगा ये जो डाटा आपको मिलेगा वो यही मिलेगा यहां भी R2 ही होता है, ठीक है। R2 बटा R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो आप अगर इसको हल करेंगे तो ऊपर R2 बटा 2 क्या हो जाएगा R2, अब R2 से कट जाता है तो 1/2 मिलता है, इस करड़ी में 2 को जब हम हल करते हैं तो 0.707 लैग मिलता है, लैगिंग का मिलता है मान, ठीक है। तो ये डाटा आपको मिलता है, आप इसको जब हालांकि यहां पर आप लिख सकते हैं R2 बटा R2 2 स्क्वायर प्लस X2 2 स्क्वायर, लेकिन हम X2 2 की जगह यानी रिएक्टिव रिएक्टेंस की जगह हम R2 2 स्क्वायर रख सकते हैं, फिर हम इसको डिवाइड को काट कर डिवाइड करके यानी 1/2 यानी 0.707 लैगिंग कर सकते हैं, तो 23 नंबर का बी वाला सही हो जाएगा। 24 नंबर की तरफ बढ़ते हैं साथियों, अधिकतम टार्क पर थ्री फेज मोटर में स्लिप क्या होती है, तो अधिकतम टार्क पर जो स्लिप का मान होता है यानी FR बराबर F यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी का मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, इस समय जो स्लिप का मान होगा R बराबर X इंटू 2 होता है, यानी R2 बराबर स्लिप इंटू X2 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस समय जो मान होगा स्लिप का, अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था स्लिप बराबर हमने लिखवाया भी था, तो अब ये स्लिप इधर करेंगे तो स्लिप इधर आएगी, तो R2 बटा क्या हो जाएगा X2 हो जाएगा, कौन सा समीकरण आपसे मिल रहा है, आइए देखिए पहला वाला ऑप्शन, है ना, पहला वाला ऑप्शन मिल रहा है 24 का ए,
24 का क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, 24 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो R2 बराबर S बराबर R2 बटा X2 हो जाएगा, यानी 24 का A हो जाएगा, 24 का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और आपके स्क्रीन पर है स्टार डेल्टा स्टार्टर की मुख्य हानि क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर की मुख्य हानि क्या है ना, अंतिम सवाल है, हम लोग आराम से इसको बताएंगे एग्जामिनर साहब को कि भाई एग्जामिनर साहब आप घबराइए मत। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की मुख्य हानि जो होती है वह स्टेटर को प्रारंभ में सप्लाई वोल्टेज कम मिलती है, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, मोटर प्रारंभ में अधिक धारा लेती है, मोटर की गति क्या होती है, उच्च होती है। तो 25 का तो बता दो साथियों कि शुरू में जो वोल्टेज होती है, यानी शुरू में जो वोल्टेज का मान होता है वह होता है आपका बीएल बटा यानी लाइन वोल्टेज बटा करणी में 3 होता है, या टार्क समानुपाती वी स्क्वायर के होता है, यानी टार्क का मान समानुपाती वी स्क्वायर का होता है, इसमें जो करंट का मान जो टार्क का मान होता है वह 1/3 होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि 25 का जो ऑप्शन होगा, मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत कम होता है, है ना। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो मुख्य हानि होती है वह यही होता है कि यह इसका टार्क का मान क्या होता है, मोटर का स्टार्टिंग टार्क का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये चीजें हो गई, यानी कि आज के सेशन पे में बस इतना ही, और आप लोग जिन्होंने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ में जिन्होंने अभी बेल के आइकन की बटन या उन्होंने क्लिक नहीं किया है तो उस बटन को भी वो क्लिक कर लें। साथ में अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो आपके जितने भी दोस्त साथी मित्र हो उनमें आप ये ग्रुप को शेयर करिए, इस ग्रुप में इस सेशन को शेयर करिए, है ना। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम।